देवी जी, एक विनती करनी थी। क्या हम थोड़े दिनों तक यहीं मंदिर में रह सकते हैं? बेटी, हम क्षमा चाहेंगे आपसे, क्योंकि इस मंदिर में रात में किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। बेटी यहाँ से थोड़ी दूर पर एक धर्मशाला है जो निर्मोही देवी धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। उस धर्मशाला को निरंजना रॉय नाम की एक महिला चलाती है। आप चाहो तो वहाँ जा सकती हो। थोड़े ही पैसों में वहाँ रहने का इंतजाम हो जाएगा। वहाँ तुम कुछ दिन रह सकती हो। पिताजी, आप इन सबको बता दीजिए कि हम आपकी आभा है, आपकी स्वर्ण आभा। आपको तो हम पर विश्वास है ना? इतने मुश्किल सवाल पूछकर मन की तसल्ली करने के बाद ही हमने वो फैसला लिया था। फिर ऐसा क्यों लग रहा है हमें जैसे उस लड़की की आंखों में भी सच्चाई थी? ये दुविधा क्यों है हमारे मन में? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी ही बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं? हमें एक कमरा चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं। हमारे यहाँ बस नाम मात्र के लिए किराया लेते हैं, वो भी ये धर्मशाला की देखरेख के लिए। देखिए, इस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिना किराए के कैसे? बहन जी, हाँ, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? आपको तो पता है आज शाम को कितने सारे ब्राह्मण आ रहे हैं, और निरंजना ने तो उज्जैन के अलावा कहाँ-कहाँ से ब्राह्मणों और साधु संतों को निमंत्रण दिया है। और अभी अभी महाराज जी का फोन आया था कि वो नहीं आ सकते हैं। इतना बड़ा अनुष्ठान है, इतने बड़े बड़े पंडित संत आ रहे हैं, और इतने कम समय में इतने साधु संतों के लिए भोजन कौन बनाएगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर आप बुरा न माने तो हम बना दें, लेकिन ये एक बार हमें मौका देकर तो देखिए। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण भोज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम जानते हैं दुर्गा माँ की पूजा का भोग है। हम पूरी श्रद्धा से प्रसाद बनाएंगे। आप बस रसोई घर कहाँ है हमें बता दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले स्नान करके कपड़े बदल लीजिए। मामी जी, आप हमें आभा के एल्बम में से उसकी तस्वीर दे दीजिए। हम जाएंगे वहाँ, उस बस्ती में जहाँ वो नौटंकी वाली रहती है। हम लोगों को इस तरह से नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। आभा ने हमारा हर मुसीबत में, हर तकलीफ में साथ दिया है, और इस बार हम आभा का साथ देंगे। आभा जब भी दुविधा में होती थी यहीं आती। हो सकता है मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब यहीं मिले। आपका नाम आभा है? आपको कैसे पता? वो बाहर गेट पर आपके लिए कोई चिट्ठी छोड़कर गए हैं। अपना सच साबित करने के लिए तुम कितनी बेचैन हो रही होगी हम जानते हैं। शायद ये पता मदद करे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में। हो सकता है जो हमारी हालत और सच्चाई इस कदर जानता है। जमुना बाई बस्ती, इस पते पर क्या मिलेगा हमें?